Welcome back everyone, this is Mayank Kothari and in this video we are going to discuss about the securitization. Pure video mein hum securitization ka revision karenge. Jitni bhi cheeze humne lectures mein dekhi hai, wo sari ki sari cheeze ab hum ek bar upar upar se pad lenge. Last mein jab aap exam ke liye jaoge to tab ye video aapke bahut zyada kaam aayega. कुछ लोगों के पास में थोड़ा सा पुराना चार्ट होगा अगस्त 19 के पहले का, तो उन लोगों के चार्ट में सिक्योरिटाइजेशन के चार्ट में ये डायग्राम्स वगैरह नहीं होगी. आई हैव इम्प्रूव्ड द चार्ट्स, थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूवमेंट हर बार चलते रहता है, हर साल चलते रहता है. तो ये डायग्राम्स मैंने डाली है ताकि वो समझने में चीज़ें बहुत आसान हो. बहुत सारे बच्चों का एक डाउट था कि ये जो पी थ्रू सर्टिफिकेट और पास थ्रू सर्टिफिकेट होता है ये समझ, मतलब इस पर क्लैरिटी नहीं आती. ठीक है, तो डायग्राम के मदद से इस बार ज़रूर इस पर आपको अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी. आइए सर शुरू करते हैं सिक्योरिटाइजेशन का चैप्टर. मैं आपको सिंपल से शब्दों में समझाऊंगा, एक लेमैन लैंग्वेज में स्टार्टिंग में, और बाद में मैं ये सारी चीज़ें पढ़ के भी बताऊँगा ताकि एक अंडरस्टैंडिंग भी रहे, हमको समझ में भी आ जाए, और उसके बाद में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज़ें लिखना ज़रूरी है. सो एग्जैक्टली यही पॉइंट्स आपको लिखना ज़रूरी है, इसीलिए हम एक बार का इन्हें पढ़ भी लेंगे. ठीक है सर, सिक्योरिटाइजेशन को टोटल हमने 8 हिस्सों में डिवाइड किया. सिक्योरिटाइजेशन का मतलब हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या मतलब होता है, व्हाट डज दिस वर्ड मींस. डेली लाइफ में हमारा ये कॉन्सेप्ट काम नहीं आता, नॉर्मल एक इंसान का, सीए स्टूडेंट का काम नहीं आता. फीचर्स, सिक्योरिटाइजेशन के फीचर्स क्या, एग्जैक्टली होता क्या है, इससे मिलता क्या है. पार्टिसिपेंट्स, इस सिक्योरिटाइजेशन के एंटायर कॉन्सेप्ट में स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं. इसके बाद में मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर क्या है, पहली स्टेप क्या, दूसरी स्टेप क्या, तीसरी क्या और आखिरी क्या, ये मैकेनिज्म हम देखेंगे. उसके बाद में सिक्योरिटाइजेशन के इस पूरे कॉन्सेप्ट में अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ फ़ायदे हैं लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स क्या है. उसके बाद हम देखेंगे सर बेनिफिट्स के बारे में, सिक्योरिटाइजेशन से फ़ायदे क्या होते हैं, किसको और क्या फ़ायदे, ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे. इसके बाद में सिक्योरिटाइजेशन के प्राइसिंग के बारे में हम देखेंगे कि जो इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए जाते हैं सिक्योरिटाइजेशन के थ्रू, उसका वैल्यूएशन किस हिसाब से करना चाहिए. फिर इंस्ट्रूमेंट के प्राइसिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट्स एग्जैक्टली देखेंगे क्या क्या इशू किए जाते हैं. हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 इंस्ट्रूमेंट के बारे में दिया हुआ है, एक पास थ्रू सर्टिफिकेट, एक पे थ्रू सिक्योरिटीज़ और एक स्ट्रिप्ड सिक्योरिटीज़. मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूं, ये तो 8 चीज़ें हो गई. इसके बाद में लास्ट में हम एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे, सिक्योरिटाइजेशन इन इंडिया. अब मैं आपको एक क्लैरिटी देता हूँ, इंस्टीट्यूट ने सिक्योरिटाइजेशन पे बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं की है सिलेबस में. सो अगर आप CFA का कोर्स देखते हो या फिर आप सर्च भी करके कोई एक दो डॉक्यूमेंट भी निकाल लेते हो PDF के, मैं एक काम करूँगा PDF उन एक दो डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपको डिटेल में पता चल सकता है सिक्योरिटाइजेशन के बारे में, उसकी लिंक मैं YouTube वाले वीडियो में, ये वीडियो YouTube पे भी जाएगा, उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. सो इन केस आपके पास में टाइम हो, इंटरेस्ट हो, तो ही उन डॉक्यूमेंट्स को देखिए, अदरवाइज सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ काम के नहीं है. तो मेरा ये कहना है सर, इंडिया में सिक्योरिटाइजेशन के बारे में जब आप पढ़ने जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम सिर्फ अभी एग्ज़ाम के हिसाब से फोकस करेंगे. आइए सर शुरू करते हैं. सबसे पहले बात करता हूँ सिक्योरिटाइजेशन के मतलब की, बहुत ही सिंपल सी बात है. बैंक्स देखा आपने, मैं जानबूझ के एग्जांपल बैंक्स का लूँगा. बैंकों का काम क्या होता है, पहली बात तो साधारण सा इंसान अपनी सेविंग्स को बैंक में जमा करता है, बैंक के पास वो पैसा जमा होता है. पूरे इंडिया में जितने भी लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं सबका बैंक अकाउंट है, FDs से पैसा जमा होता है, बैंकों के पास पैसा आता है इन्वेस्टर्स के थ्रू. अब ये पैसा बैंक लोन के रूप में देती है बोरोवर्स को, जिनको पैसों की ज़रूरत है, कंपनीज़ को ज़रूरत है. आप कार लोन लेने जाते हैं तो उस टाइम पे बैंक आपको लोन देती है, हाउसिंग लोन के टाइम पे बैंक आपको लोन देती है, आपको फॉरेन ट्रिप करनी है बैंक लोन देती है, गोल्ड लोन देती है, गोल्ड जमा करा दो आपको लोन मिल जाएगा. तो किसी भी तरह से एक इंसान को जब लोन की ज़रूरत होती है तो वो कहाँ जाएगा, बैंक के पास में. अब बैंक उसको पैसा दे देगी, अकाउंटिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये लोन जो बैंक ने उसको दिया है ये थोड़े थोड़े टाइम बाद, इंटरवल बाद या हर महीने में EMI के रूप से वापस लेना बनता है. तो अब जो वापस लिया जाएगा तो प्रिंसिपल अमाउंट लिया जाएगा प्लस इंटरेस्ट भी लिया जाता है, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, सबको पता है. तो
ये जो बैंक ने मान लो 10 लाख रुपए का लोन दिया है कहीं पे भी, ये बैंक के लिए रिसीवेबल कहलाता है बुक्स में, क्योंकि बैंक ने किसी और को पैसे दिए और उससे लेना बनता है, इट इज़ रिसीवेबल। तो बैंकों के पास में ये असेट जमा हो जाता है जो कैश में आना बनता है। दिस इज़ अ नॉन कैश असेट, ठीक है। अब होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे एक दो चीज़ें करके दिखाता हूँ। ध्यान देना, मान लो बैंक ने दे दिया लोन, दस लाख का। अब इस बंदे से आने वाले 20 साल में ये पैसा रिटर्न होगा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के रूप में, 10 लाख और इंटरेस्ट। लेकिन बैंक के यहाँ से तो आज पैसा चला गया, बैंक को एक्सपांशन के लिए और भी कुछ खर्चों के लिए अगर वापस कैश चाहिए तो अब बैंक के पास इतना पैसा कम हो चुका है, कैश नहीं है बैंक के पास में, लेकिन बैंक के बुक्स में असेट ज़रूर दिख रहा है। बैंक को अगर इस असेट को कैश में कन्वर्ट करना है तो बैंक ये सारे लोन, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक बंदा दिखाया जिसको 10 लाख दिए, ऐसे लाखों लोग हैं जिनको बैंक रोज लोन देती है। इस तरह से बैंक के पास में ये असेट बढ़ते जाता है, ठीक है। तो लेट से हम इसको मान के चलते हैं 100 करोड़ रुपए। कितने का लोन दे दिया बैंक ने, 100 करोड़। ये 100 करोड़ का असेट जो है, बैंक क्या करेगी, इसको एक अलग से ट्रस्ट बना के, स्पेशल पर्पज़ व्हीकल कहा जाता है, इस स्पेशल पर्पज़ व्हीकल को बेच देगी। ये स्पेशल पर्पज़ व्हीकल इसी 100 करोड़ के असेट को जो इकट्ठा किया गया था, जब ये 100 करोड़ के सारे लोन को इकट्ठा किया गया, इसको कहते हैं बंडलिंग। बंडलिंग, और ये बंडल करके एक जगह इकट्ठा करके इसको दिया गया। अब स्पेशल पर्पस व्हीकल के पास में ये 100 करोड़ के असेट हैं। इस असेट अपने पास है, मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल ने पैसा लेना बनता है। किससे पैसा लेना बनता है, उससे जो पैसा देने वाला, ठीक है। अब ये स्पेशल पर्पस व्हीकल इस असेट को, पूरे के पूरे पुल को, इसको कहा जाता है पुलिंग। तो पुल को ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के रूप में मार्केट में इशू करेगी, इसे कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट। इसके बारे में मैं आपको, आपसे डिस्कस करूंगा आगे में। तो ये है हमारे इन्वेस्टर्स। अब छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने इस 100 करोड़ के बांट दिए। तो मान लो इससे मैं 100 रुपये ले रहा हूँ, इसने 500 रुपये इन्वेस्ट किया, ऐसे हज़ारों लाखों लोगों ने इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो इनको, इन्वेस्टर्स को मैंने ये इंस्ट्रूमेंट बांट दिया। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, मोटा मोटी अगर मैं कहूँ तो, जिसमें 3 मेजर लोग होते हैं। एक होती है बैंक, जिसको हम ओरिजिनेटर कहते हैं, एक होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल, और एक होता है इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टर इस इंस्ट्रूमेंट को खरीदने के लिए इस स्पेशल पर्पस व्हीकल को पैसा देगा। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल कहाँ पैसा ट्रांसफ़र कर देता है, बैंक के पास। तो बैंक को पैसा आना था बाद में, जो आज ही मिल गया। कुछ फीस वगैरह जो भी प्रोसेसिंग है सब काट कुटा के पैसा मिलता है, एग्जैक्ट उतना नहीं। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। सो बैंक ने क्या किया, जो लोन दिया था, जो असेट बना, यह असेट को बेच दिया। रिसिप्ट, आप उसको बोलते हो डेटर्स, रिसीवेबल्स, इसको बेच के स्पेशल पर्पस व्हीकल ने इसको इंस्ट्रूमेंट के रूप में मार्केट में बेच दिया इन्वेस्टर्स। अब रियल लाइफ में मैं बताता हूँ ये इन्वेस्टर्स होते कौन हैं। ये आप और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स नहीं होते, इंडिविजुअल बहुत ना के बराबर है, ठीक है। यहाँ इन्वेस्ट करने वाले होते हैं जनरली पेंशन फंड जो होते हैं ना, जिनके पास पैसा होता है, ये पेंशन फंड्स यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स, ये लोग इन्वेस्टर होते हैं। और बैंक्स, दूसरी बैंक्स जो होती है, ये भी इन्वेस्टमेंट करती है। तो दीज पीपल कैन ऑल्सो एक्ट एज एन इन्वेस्टर। दीज पीपल एक्ट एज एन इन्वेस्टर हु परचेसेस द इंस्ट्रूमेंट विच आर इश्यूड बाय द स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल बैंक को वापस पैसा दे देता, बैंक को अपना पैसा मिल गया। सी, एक तरह से नॉन कैश आइटम को आपने कैश में कन्वर्ट कर लिया, बैंक के एंगल से अगर आप देखोगे तो।
आगे आते हैं सर, देखो थोड़ा सा पढ़ते हैं उसके बाद में मैं डायग्राम समझाऊंगा और यहाँ पे सिक्योरिटाइजेशन का मतलब आपका खत्म हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन टिपिकली इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ पुल ऑफ असेट्स फ्रॉम द इलिक्विड फाइनेंशियल असेट्स। व्हाट इज द प्रोसेस? आप पुल करते हो, सारा इकट्ठा करते हो एक जगह पे, इलिक्विड फाइनेंशियल असेट जो रिसीवेबल थे ये इलिक्विड है क्योंकि फ्यूचर में 10 साल 20 साल में ये पैसा धीरे धीरे करके वापस आने वाला था, सच एज रिसीवेबल्स और लोन्स विच आर मार्केटेबल। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रीपैकेजिंग और रीबाउंडिंग ऑफ इलिक्विड असेट्स इंटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इन रिसीवेबल्स को जब आपने इंस्ट्रूमेंट्स में कन्वर्ट किया, दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिक्योरिटाइजेशन। ये जो असेट्स है, अच्छा जब सिक्योरिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंडिया में आया था तो मोस्टली ये ऑटोमोबाइल लोन्स बेसिकली जो था उसको सिक्योरिटाइज किया जाता था। यानी आप जब कार लोन लेते थे तो बैंक आपको पैसा दे देती थी, बैंक के पास असेट क्रिएट हो जाता था, बैंक इस असेट को बेच देती थी। एंड नॉट ओनली बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो भी लोन देता है वो सिक्योरिटाइजेशन करवा लेता था इसका। सो ऑटोमोबाइल लोन से शुरुआत हुई, फिर क्रेडिट कार्ड के रिसीवेबल्स, रेसिडेंशियल मॉर्टगेजेस और एनी अदर फॉर्म ऑफ फ्यूचर रिसीवेबल्स। मैं इस टॉपिक पे बाद में आऊँगा, फिलहाल आप स्ट्रक्चर समझ लो एक बार का, डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ और यहाँ पे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जब तक ये चीज़ नहीं समझ में आएगी ना तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो ध्यान देंगे, दिस इज ओरिजिनेटर, जो मैं बैंक की बात कर रहा था इसे कहा जाता है ओरिजिनेटर। ध्यान देना, ओरिजिनेटर ने लोन दिया किसको? बोरोवर को। ठीक है, ये बैंक है हमारी, इस बैंक ने लोन दिया बोरोवर को, क्योंकि ये लोन कौन सा हो सकता है सर? ये लोन हो सकता है आपका कार लोन, ये लोन हो सकता है कार या ऑटोमोबाइल, बोलो ना सीधा उसको ऑटोमोबाइल लोन, कोई भी गाड़ी हो, कमर्शियल पर्सनल। फिर ये लोन हो सकता है आपका क्रेडिट कार्ड वाला, जैसे ऊपर अपन ने देखा आपने घर गिरवी रख दिया। ठीक है, मॉर्टगेज लोन बोल सकते हो आप, मॉर्टगेज में क्या होता है, सब कुछ गिरवी सारी चीज़ें आ जाती है मॉर्टगेज। सो ये मॉर्टगेज लोन हो गया, मॉर्टगेज लोन में घर गिरवी रख दिया, गोल्ड गिरवी रख दिया, ऐसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्राइसिंग चीज़ें आपने गिरवी रख के लोन ले लिया, तो ये हो बोरोवर। ये अब ये बंदे ने पेमेंट देना बनता है किसको? ओरिजिनेटर को। अब ओरिजिनेटर ने क्या किया, ध्यान देना, ओरिजिनेटर ने लोन दिया बोरोवर को तो ओरिजिनेटर के पास बुक्स में रिसीवेबल क्रिएट हो गए। ये ओरिजिनेटर ने सेल कर दिया इस रिसीवेबल को, कहाँ सेल किया सर? स्पेशल पर्पस व्हीकल को दे दिया। दिस इज अ ट्रस्ट विच इज मैनेज्ड बाय अ ट्रस्टी, एक ट्रस्टी होता है जो पूरा का पूरा ये ट्रस्ट मैनेज करता है। ठीक है, अब ध्यान दो, इस स्पेशल पर्पस व्हीकल ने ये असेट्स खरीदने के बदले में ये कंसिडरेशन इसको पे कर दिया। अब आप बोलोगे सर स्पेशल पर्पस व्हीकल के पास में ये पैसे कहाँ से आएंगे? तो ये पैसे इन्वेस्टर से आते हैं। ध्यान देना, स्पेशल पर्पस व्हीकल ने क्या किया, उस असेट के छोटे छोटे टुकड़े करके, इसको कहते हैं ट्रेंचिंग। अच्छा, तो इस स्पेशल पर्पस व्हीकल ने उस 100 करोड़ के असेट को इंस्ट्रूमेंट्स में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स में। जैसे 100 करोड़ का इक्विटी कैपिटल को 100,000 शेयर्स में आप डिवाइड करते हो, वैसे ही 100 करोड़ के इस रिसीवेबल को आपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल मार्केट में इन्वेस्टर्स को ये इंस्ट्रूमेंट्स इशू करती है, इश्यूएंस ऑफ पीटीसी। ये पीटीसी का मतलब होता है सर पास थ्रू सर्टिफिकेट, आगे मैं बात करूंगा इसके बारे में। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स को इन्वेस्टर को बेच दिया, इन्वेस्टर ने इंस्ट्रूमेंट खरीदा तो इन्वेस्टर कुछ पैसा देगा ना, स्पेशल पर्पस व्हीकल को पैसा देगा, और यही पैसा अपनी फीस वीस काट के स्पेशल पर्पस व्हीकल किसको दे देगा? ओरिजिनेटर को। सो ध्यान देना, मोटा मोटी 100 रुपये का लोन दिया ओरिजिनेटर ने, ये 100 रुपये का असेट इधर बेचा और यहाँ से मान लो लेट से 98 रुपीज़ ले लिया। फिलहाल मैं ये सब खर्चे मान छोड़ के चल रहा हूँ समझाने के लिए। तो 100 इधर लोन में दिया, 100 इधर से आ गया खत्म। ठीक है, आगे देखो, अब और डिटेल में मैं प्रोसेस में घुसता हूँ। अब क्या होता है इसके बाद में, इश्यू तो कर दिया इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद की प्रोसेस क्या है? अब ये बोरोवर को मंथली इंस्टॉलमेंट देना बनता है। नॉर्मल केस में जो भी लोन लेता है उसको इंस्टॉलमेंट ईएमआई वगैरह तो पे करना पड़ेगा ना, तो ये बोरोवर क्या करेगा, अपना जो भी शेड्यूल्ड रीपेमेंट होगा, हर महीने 50,000 देना था, हर महीने 48 देना था, किसी को कुछ और देना था, किसी को कुछ और देना था, हजारों लाखों इन बोरोवर्स हैं, अलग अलग जो भी टाइम पे उनका पेमेंट बनता है, ये पेमेंट किसको देंगे? सर्विसर को। सर्विसर का काम क्या है यहाँ पे?
सर्विसर का काम है सर बोरोवर से कोऑर्डिनेट करके उनसे पैसे लेने का। नॉर्मल केस में या रियल लाइफ में सर्विसर मोस्टली और कोई नहीं, ओरिजिनेटर ही होता है नॉर्मल केस में, या ओरिजिनेटर किसी थर्ड पार्टी को अलॉट कर देगा। तो ये सर्विसर और ये ओरिजिनेटर कोई नहीं, एक ही पर्सन है, ठीक है। तो सर्विसर को पेमेंट आया, ये सर्विसर ने क्या किया, अपने पास पैसा आ गया तो उसने ये डिपॉजिट कराया। कहाँ पैसा डिपॉजिट कराया? कलेक्शन एंड पे आउट अकाउंट में। लेट्स से हमने एक अलग से सेपरेट अकाउंट बना रखा है, तो कलेक्शन और पे आउट अकाउंट में हमने पैसा जमा करा दिया, और इस कलेक्शन और पे आउट अकाउंट से इन्वेस्टर को अपना पेमेंट वापस मिलता है। अब इन्वेस्टर को पेमेंट क्यों मिल रहा है? बहुत ही सिंपल सी बात है, एक तरह से आप इसको बॉन्ड्स के रूप में समझो। ये बॉन्ड खरीदा है किसने? इन्वेस्टर ने बॉन्ड खरीदा इससे, ट्रस्टी से। तो जब आप बॉन्ड खरीदते हो तो इसके बाद हर महीने इंटरेस्ट मिलता है, राइट? तो उसी तरह से इन्वेस्टर को कुछ तो मिलना चाहिए ना वापस, हर महीने, हर साल, 6 महीने, जैसे भी इंस्ट्रूमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन थी। तो वो पैसा कहाँ से दिया जाएगा? कलेक्शन एंड पे आउट अकाउंट से। तो ध्यान देना, ये सर्विसर, ये कलेक्शन एंड पे आउट अकाउंट ये सर्विसर कौन है? एक तरह से ओरिजिनेटर है। और ये कलेक्शन एंड पे आउट अकाउंट किसके हिस्से में आता है? ये स्पेशल पर्पस व्हीकल के। तो एक तरह से स्पेशल पर्पस व्हीकल ही पेमेंट किसको दे रहा है? मंथली इन्वेस्टर को। कहाँ से? यहाँ से दे रहा है। आपको प्रोसेस समझ में आई? अब आप बोलोगे सर फायदा क्या है? मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हूँ फायदा क्या है इस प्रोसेस में। जब भी लोन दिया गया तो लोन लेट से दिया गया था 10% पे, यानी इस बंदे ने अगर 100 रुपये का लोन लिया है तो 10 रुपये का इंटरेस्ट देना बनता है। तो ये 110 रुपये का इंटरेस्ट देगा यहाँ पे, ये 110 रुपये यहाँ पे जमा हो जाएंगे। अब ध्यान देना सर, ये 110 रुपये कलेक्शन एंड पे आउट अकाउंट में जमा हो गए। जब ओरिजिनेटर ने यह असेट बेचा था स्पेशल पर्पस व्हीकल को, और स्पेशल पर्पस व्हीकल ने इसका इंस्ट्रूमेंट बना के इन्वेस्टर को बेचा था, तो इंस्ट्रूमेंट बना के इन्वेस्टर को जो ऑफर किया गया था इन्वेस्टमेंट का रेट, वो था 8%। यानी इन्वेस्टर जब 100 रुपये इधर दे रहा है कंसिडरेशन, इन्वेस्टमेंट करने के लिए 100 रुपये दिया, ये 100 रुपये स्पेशल पर्पस व्हीकल ने किसको दे दिया? इधर दे दिया। सो ध्यान दो, ओरिजिनेटर को तो 100 रुपये गए, 100 रुपये आ गए, ठीक है। मैं अभी फीस वगैरह नहीं ले रहा हूँ कुछ भी, लेकिन अब ध्यान देना, 110 रुपये यहाँ पे आए, लेकिन इन्वेस्टर को कितना देना बनता है? सिर्फ इन्वेस्टर को देना बनता है सर 108 रुपये। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस में 2 रुपये की कमाई हुई। किसकी सर? स्पेशल पर्पज़ व्हीकल की, जो बीच में बंदा ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। बट ज़रूरी नहीं है पूरा 2 रुपये का कमाई, पूरी 2 रुपये की कमाई होगी। मैं रीज़न बताता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दो। बहुत बार आपने मार्केट में रियल लाइफ में सुना होगा कि सर क्या बोलते हैं, ये लोन लिया था बैंक से, डिफ़ॉल्ट कर गया, नीरव मोदी, ऐसे कई सारे लोगों ने डिफ़ॉल्ट करके हजारों करोड़ों रुपए बैंक को चूना लगा दिया। तो ये लोन, ये जो पैसा है शेड्यूल्ड रीपेमेंट 110 का, ये तो कभी वापस आया ही नहीं। और अगर ये वापस नहीं आया, इसका मतलब ये 110 नहीं आएगा, इसका मतलब इन्वेस्टर को क्या देंगे फिर? जब यहाँ पे पैसा ही नहीं आया तो इन्वेस्टर को देंगे कहाँ से? एग्जैक्टली मेरा यही कहना है, कुछ लोग डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं इसमें से। तो ऐसे केस में उस इन्वेस्टर के साथ हमने डिफ़ॉल्ट नहीं करना, उसको सेफ गार्ड करने के लिए ये एक्स्ट्रा पैसा यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा भी एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो है क्रेडिट एनहांसमेंट। या तो खुद बैंक या तो कोई थर्ड पार्टी इस पूरी प्रोसेस में एसपीवी को गारंटी देगी कि अगर किसी भी बोरोवर ने डिफ़ॉल्ट किया तो हम आपको उसका 80% अमाउंट आपको कंपनसेट करके देंगे। तो 100 रुपये कौन देगा फिर? ओरिजिनेटर देगा ऐसे केस में, अगर किसी ने डिफॉल्ट किया तो। इसको बोलते हैं क्रेडिट एनहांसमेंट। सो हो सकता है क्रेडिट एनहांसमेंट के थ्रू 5 या 10 रुपये की जरूरत पड़े, यह पैसा आए आपको,
ये भी कहाँ जमा होता है, कलेक्शन एंड पे आउट अकाउंट में। तो बोरोवर ने पैसा देता गया नॉर्मल केस में तो बहुत अच्छी बात है, जब बोरोवर डिफॉल्ट करेगा तो ये क्रेडिट एनहांसमेंट के थ्रू या तो बैंक या तो कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे पैसा जमा कराएगी और इस अकाउंट से इन्वेस्टर को पैसा दिया जाएगा। समझा सिक्योरिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट। ये इन्वेस्टर और कोई नहीं होते सर, ये इन्वेस्टर होते हैं म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, नॉर्मली बैंक्स, बड़े बड़े लोग बोल लो, आप और मेरे जैसे कभी सिक्योरिटाइजेशन का वो नहीं, बल्क में बेचा जाता है ना। हाँ, ये बोरोवर जो होते हैं ये हम नॉर्मल लोग होते हैं, आपने भी लोन लिया होगा, आपके पापा ने कंपनी खोलने के लिए लोन लिया होगा, मैंने लोन लिया होगा, हाउसिंग लोन लेते हैं, नॉर्मल सा जो व्यक्ति आम आदमी है हमारे देश में वो है ये बोरोवर, ये नॉर्मल तरीके से बैंक रहती है, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आप सोचोगे तो छोड़ो, 20 मिनट हो गए और हमने सिर्फ एक ही टॉपिक डिस्कस किया, ये है कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से आपको बाकी सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, सो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इट विल नॉट टेक मच टाइम। ध्यान देंगे सर फीचर्स पे। सेकंड टॉपिक आपका चालू होता है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ सर, कि अगर आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है सिक्योरिटाइजेशन के फीचर बताओ, तो आप क्या बताओगे ऐसे टाइम पे? 5-6 चीज़ें आप याद रखो। सबसे पहले क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इस पूरी प्रोसेस में हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करते हैं, इश्यूएंस ऑफ PTC, यानी पूरे कंट्री में हम एक एवेन्यू, एक सेपरेट एरिया बनाते हैं जहां लोग आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ओपन कर दिया हमने, दिस इज कॉल्ड एज क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। दूसरा, क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं पता है आपको? इक्विटी शेयर्स, प्रिफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये भी तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये मैं अलग तरीके का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बता रहा हूँ इस वाले चैप्टर में। दूसरा, बंडलिंग एंड अनबंडलिंग इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। ध्यान देना, जब सबको लोन दे दे के सारा का सारा असेट इकट्ठा होता है यहाँ पे, ठीक है, ये इकट्ठा किया गया असेट जब यहाँ पे सेल किया जाता है, इसको कहते हैं बंडलिंग, जमा करना, तो बंडल कर दिया। अब इसके बाद SPV जब इसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके 100 करोड़ के असेट के जब इंस्ट्रूमेंट के रूप में बेचता है, उसे कहते हैं अनबंडलिंग। पहले तो जमा किया और फिर अलग रूप में बना के उसको वापस खोल दिया, जैसे कचरा आप जमा करते हो तो दैट इज़ बंडलिंग, फिर कहीं पे जहाँ पे भी कचरा फेंका जाता है वहाँ जाके आप ऐसे फेंक देते हो तो दैट इज़ अनबंडलिंग, दैट्स इट। तो दिस इज बंडलिंग एंड अनबंडलिंग। उसके बाद टूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अब देर आर, दिस इज अनादर फीचर ऑफ टूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट का मतलब, ओरिजिनेटर के एंगल से देखो, इसके एंगल से अगर आप देखोगे तो भैया इसने लोन दे दिया, ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन में कई बार सिक्योरिटाइजेशन की प्रोसेस नॉन रिकोर्स बेसिस पे भी होती है। रिकोर्स और नॉन रिकोर्स दो कॉन्सेप्ट होते हैं। रिकोर्स में रिस्क अपने पे ही रहता है, ओरिजिनेटर पे, जिसका नुकसान होना चाहिए था, नॉन रिकोर्स में रिस्क हट जाता है। सो ओरिजिनेटर का रिस्क क्या है कि ये बोरोवर पैसा नहीं देगा, डिफॉल्ट कर जाएगा, जैसे नीरव मोदी ने किया था। तो ओरिजिनेटर क्या करता है पता है, नॉन रिकोर्स बेसिस पे जब ये असेट बेच देता है स्पेशल पर्पस व्हीकल को, तो अब ओरिजिनेटर पे से रिस्क हट गया, अब किसी ने डिफॉल्ट किया तो ओरिजिनेटर की जिम्मेदारी नहीं बनती, रिस्क है ही नहीं। दिस इज एन इफेक्टिव टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, अगर सिक्योरिटाइजेशन नॉन रिकोर्स बेसिस पे है तो, अदरवाइज तो रिस्क होता है सर। स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एक तरीका है ओरिजिनेटर यानी बैंक को या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट से पैसा रेज करने के लिए। और तरीके क्या क्या होते हैं? इक्विटी शेयर इशू करना, डिबेंचर इशू करना, प्रिफरेंस शेयर इशू करना, लोन लेना कहीं से, ये भी तो एक तरह से फाइनेंस करने के तरीके हैं। सिक्योरिटाइजेशन भी एक तरह का स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस्ड है। ट्रेंचिंग, अब मैं और डिटेल में जाता हूँ, अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन ये कॉन्सेप्ट वर्ड आने की वजह से मैं आपको बताता हूँ 2-3 चीज़ें। जब भी SPV इन्वेस्टर को इंस्ट्रूमेंट इशू करती है तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट सेम नहीं होते, कैटेगरी बनाती है। तो SPV क्या करेगी पता है, SPV के पास में ये 100 करोड़ के असेट आ गए, SPV अब ना कैटेगरी बना देगी, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी। इस कैटेगरी में आपको सिर्फ 5% इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ 6% मिलेगा, यहाँ 7% मिलेगा, यहाँ 8% इंटरेस्ट मिलेगा। एज एन इन्वेस्टर आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहोगे?
आप बोलोगे सर हम तो वहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे 8% वाले में, लेकिन इतनी आसान नहीं है बात। आपको यहाँ कौन, अगर ऐसा हुआ तो सारे के सारे लोग वहीं जाएंगे, यहाँ कौन आएगा। ये जो ABCD किया ना, ये ट्रेंचिंग कहा जाता है, अलग अलग हिस्से में बांट दिया। अब इसके अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट बेचे जाएंगे उस पर इंटरेस्ट आपको 5% मिलेगा, लेकिन इसकी जो सेफ्टी है ये बहुत ज़्यादा है। लेट्स से मैं बोलता हूँ आपको 5-star है, यानी ये बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है, ये थोड़ा रिस्की है। लेट्स से रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क यहाँ बहुत कम है, थोड़ा ज़्यादा है, वेरी हाई है यहाँ पे रिस्क, और यहाँ वेरी वेरी हाई रिस्क है। अब इसका मतलब भी समझो कि कभी किसी बोरोवर ने अगर डिफॉल्ट कर दिया तो जितना भी पैसा बचा है मेरे अकाउंट में सबसे पहले इनको दिया जाएगा, क्योंकि ये सेफ इन्वेस्टमेंट था। उसके बाद बचा तो उनको, उसके बाद बचा तो उनको, और ख़त्म हो गया तो फिर इनको कुछ नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा रिस्क उठा रहे हो इसीलिए ज़्यादा रिटर्न आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, दिस इज ट्रेंचिंग। तो ये जो चार हिस्से किए गए ना, ये जो चार हिस्से किए गए इसको कहते हैं ट्रेंचिंग। ट्रेंचिंग का नॉर्मल मतलब जो होता है, अगर आप गूगल पे ढूंढोगे तो डिक्शनरी मीनिंग इज़ एक बहुत बड़ा गड्ढा करना, बट फाइनेंस में वो मतलब नहीं है। फाइनेंस में अलग अलग ट्रांचेस का मतलब होता है कि जैसे आप फैमिली की ट्री नहीं बनाते तो अलग 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 लोग आते हैं, वैसे ही ये पार्ट हो गया, ठीक है सर। उसके बाद में होमोजिनिटी, होमोजिनिटी मतलब समानता। अब होमोजिनिटी का मतलब है कि हर ट्रांच में ए वाली कैटेगरी में जितने भी लोग इन्वेस्ट करेंगे उनको सेम तरीके के इंस्ट्रूमेंट बेचे जाएंगे 5% पे, इनको सेम तरीके के, इनको सेम और इनको सेम। तो हर एक ट्रांच के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट बेचे जा रहे हैं ना वो सेम है, दैट इज होमोजिनिटी। आगे आएंगे सर, उसके बाद मैं पार्टिसिपेंट्स की बात करता हूँ। पूरे के पूरे सिक्योरिटाइजेशन में कौन कौन लोग होते हैं, एक होता है ओरिजिनेटर। मैं पहले मोटा मोटी बात करता हूँ प्राइमरी पार्टिसिपेंट, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेन लोग कौन है पूरी सिक्योरिटाइजेशन में। एक होता है ओरिजिनेटर, जिसको हम बैंक भी कहते हैं। दूसरा होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये ओरिजिनेटर SPV को सारे असेट बेचेगा, और स्पेशल पर्पस व्हीकल उसके बाद इंस्ट्रूमेंट बेचेगा इन्वेस्टर को। तो ये तीन लोग प्राइमरी पार्टिसिपेंट हैं। सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स में आप देखो ऑब्लाइगर्स या फिर बोरोवर्स बोलो, ये लोग जो बैंक से लोन लेते हैं, ये भी तो एक पार्टी है ना। जब तक बैंक से लोन नहीं लिया जाएगा तब तक सिक्योरिटाइजेशन के लिए असेट कहाँ से बनेगा। तो सेकेंडरी पार्टिसिपेंट में एक ऑब्लाइगर आता है, रेटिंग एजेंसी भी आती है। ये जो सिक्योरिटाइजेशन में इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टर को बेचे जाते हैं इसकी रेटिंग भी होती है। तो क्रिसिल है हमारे यहाँ पे, केयर है हमारे इंडिया में, ये जो रेटिंग एजेंसीज है उनको हायर किया जाता है। एक सेकेंड ना, उनको हायर किया जाता है रेटिंग करने के लिए। ये इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग करते हैं, और जितनी अच्छी रेटिंग उतना ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट मार्केट में बिकता है। रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट, ये देखो इस पूरे डायग्राम में आपको ये सर्विसर का काम समझ में आया। इसका काम क्या होता है सर्विसर का, कि बोरोवर से पैसा लेने का और इस अकाउंट में जमा कराने का, इनफैक्ट इन्वेस्टर को देने का भी काम इसी का ही है सर्विसर का। ये तो सिर्फ अकाउंट है ना, लोग तो ये है और ये है। तो सर्विसर इन्वेस्टर को पैसा देने का भी काम करता है और लेने का भी काम करता है। सो दिस इज हाउ ही हैज कॉल्ड एज रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट। उसके बाद में एजेंट और ट्रस्टी होता है। स्पेशल पर्पस व्हीकल को चलाने वाला ट्रस्टी, वो एजेंट और ट्रस्टी कहलाता है। क्रेडिट एनहांसर, कई बार ये क्रेडिट एनहांसर खुद बैंक होता है, यानी कि जो ओरिजिनेटर बोला था मैंने, सर्विसर भी ओरिजिनेटर ही होता है बहुत बार। और स्ट्रक्चरर हो गया, ठीक है, बाहर वालों की हमने हेल्प ली। तो इसके बाद मैकेनिज्म मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ उस डायग्राम में, मैं फिर से आपको दो तीन चीज़ें बता देता हूँ उसके अंदर में। सबसे पहले तो हम पुल ऑफ असेट क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा असेट एक जगह इकट्ठा करते हैं। बैंक क्या करेगी, बैंक ने अगर 500 करोड़ के लोन दिया था, डजन मीन कि सारा का सारा 500 करोड़ वो बेच देगी असेट। वो डिसाइड करेगी कि हमको कितने का असेट, कौन कौन से बोरोवर्स का
जो लोन है वो सिक्योरिटाइजेशन में देना है या बेचना है, दैट इज़ कॉल्ड एज क्रिएशन ऑफ पुल ऑफ असेट। एक बार हमने पुल ऑफ असेट क्रिएट कर लिया, इसके बाद में ट्रांसफ़र करेंगे स्पेशल पर्पज़ व्हीकल को। तो हमने स्पेशल पर्पज़ व्हीकल को बेच दिया, स्पेशल पर्पज़ व्हीकल उनके टुकड़े टुकड़े करके सेल करेगी सिक्योरिटाइज पेपर्स को। ये इंस्ट्रूमेंट है सिक्योरिटाइजेशन का, ठीक है। इसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं मैं आगे बताऊँगा। इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ असेट्स, कौन से असेट्स की बात हो रही है अभी यहाँ पे ध्यान देना। ओरिजिनेटर ने जो लोन दिया ना यहाँ पे, ये ओरिजिनेटर के लिए असेट है और यही असेट कहाँ ट्रांसफर किया गया, स्पेशल पर्पज़ व्हीकल को। तो इस बोरोवर से पैसा लेने का और इधर में पैसा जमा कराने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द असेट। इसके बाद में सर रिकोर्स टू ओरिजिनेटर। अब ध्यान देना, अगर ओरिजिनेटर ने, बैंक ने नॉन रिकोर्स बेसिस पे बेचे हैं, ठीक है, किसको, स्पेशल पर्पस व्हीकल को, तो ऐसे केस में सर ओरिजिनेटर का जो रिस्क है डिफॉल्ट का वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन रिकोर्स बेसिस पे अगर बेचे हैं इधर में, इसका मतलब अगर कभी बोरोवर ने यहाँ पेमेंट करने से मना कर दिया, फेल हो गया, डिफॉल्ट हो गया, मर गया, भाग गया इंडिया से, तो ऐसे केस में यहाँ पैसा आएगा नहीं और फिर स्पेशल पर्पज़ व्हीकल जाके किसका गला पकड़ेगा, ओरिजिनेटर का। तो ऐसे केसेस में रिकोर्स टू ओरिजिनेटर आ जाएगा। रीपेमेंट ऑफ फंड्स, पैसा देना किसको, इन्वेस्टर्स को, रीपे करना, उनका पैसा भी तो वो वापस लेंगे ना इंटरेस्ट के साथ में। एंड देन क्रेडिट रेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, रेटिंग एजेंसीज को हायर करना, क्रेडिट रेटिंग कराना। इस पूरी प्रोसेस में कई बार आप बीच में ये वाला पार्ट डाल सकते हो, अगर रेटिंग करवाई तो, नहीं करवाई तो ये आएगा नहीं, इसलिए आखिरी में लिखा है। स्टेप समझ में आया, पहले तो पुल ऑफ असेट, बेचा स्पेशल पर्पज़ व्हीकल को, उन्होंने बेचा इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटाइज पेपर्स में, फिर उसको एडमिनिस्टर किया, रिस्क अगर है तो ओरिजिनेटर से पैसा मांगा, सारा पैसा आ गया, कहाँ से, एडमिनिस्ट्रेशन से पैसा आया बोरोवर से, और ओरिजिनेटर से पैसा आया अगर डिफॉल्ट हुआ होगा तो, और फिर रीपे किया हमने इन्वेस्टर्स को, क्रेडिट रेटिंग की प्रोसेस। बात करता हूँ सर प्रॉब्लम्स इन सिक्योरिटाइजेशन, ख़त्म करते हैं बहुत जल्दी। सिक्योरिटाइजेशन में प्रॉब्लम क्या है पता है, पहला प्रॉब्लम टैक्सेशन। इंडिया में ढंग से रूल प्रॉपरली फ्रेम्ड नहीं है टैक्सेशन के। कई लोगों का बोलना है कि सर स्पेशल पर्पज़ व्हीकल ने टैक्स भरना चाहिए सारा का सारा। कई लोगों का बोलना है कि नहीं सर इन्वेस्टर को भी तो इनकम हो रही है, यहाँ पे ये लोग टैक्स भरना चाहिए, अगर इनको कुछ इनकम हुई तो इनको टैक्स भरना चाहिए। तो प्रॉपरली ये जो स्ट्रक्चर है इसके लिए रूल्स नहीं है, तो टैक्सेशन में एक प्रॉब्लम है। अकाउंटिंग में भी प्रॉब्लम है। क्यों अकाउंटिंग में प्रॉब्लम है पता है, दिस इज़ काइंड ऑफ अ ऑफ बैलेंस शीट आइटम। असेट तो फिर भी बुक्स में दिखते रहते हैं और आप बेच चुके होते हो, तो सिक्योरिटाइजेशन की अकाउंटिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद में लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, हर कंपनी हर बैंक इस सिक्योरिटाइजेशन का या स्पेशल पर्पज़ व्हीकल, इस सिक्योरिटाइजेशन में जितने भी बुक्स बना के रखती है ना, सबका अपना अपना फॉर्मेट है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट में अपना फॉर्मेट दिया ही नहीं, एक फॉर्मेट बताया ही नहीं। जैसे बैलेंस शीट आप बनाते हो, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, तो कंपनीज एक्ट में प्रॉपर फॉर्मेट है, उसके हिसाब से बैंक्स अलग बनाती है अपना बैंकिंग एक्ट के अंदर में, कंपनीज एक्ट के अंदर में बाकी कंपनीज का अलग से एक सेट फॉर्मेट है, तो सिमिलैरिटी होती है कंपेयर करने में। सिक्योरिटाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाती है अगर दो कंपनी के आप सिक्योरिटाइजेशन की प्रोसेस को आप कंपेयर करने जाते हो, क्योंकि सबका अपना अपना फॉर्मेट है। इनएडिक्वेट डेट मार्केट, प्रॉपर मार्केट नहीं है, और इनइफेक्टिव फोर क्लोजर लॉस। इनएडिक्वेट डेट मार्केट का मतलब भी यही है कि अभी जो इस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कौन, बड़े प्लेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड, आपका पेंशन फंड और खुद बैंक्स होती है, प्रॉपर या इनफ मार्केट नहीं बोल सकते आप। बट स्टिल प्रैक्टिकल बताता हूँ मैं आपको, 2018 के केस में 2019 को अगर आप कंपेयर करोगे तो डबल हुआ है सिक्योरिटाइजेशन का मार्केट, आखिरी में डिस्कस करूँगा। इनइफेक्टिव फोरक्लोजर लॉज, फोरक्लोजर लॉज का मतलब बताता हूँ, अगर इस बंदे ने डिफॉल्ट किया तो जनरली क्या होता है, जैसे मॉर्टगेज असेट है, इस बंदे ने अपना घर गिरवी रखा होगा इसके पास में, और फिर अगर डिफॉल्ट किया तो ओरिजिनेटर ने लीगली इसका घर जब्त कर लेना चाहिए, जब्त कर लिया, जब्त करके फिर उसको बेच के इसका पैसा लौटाना चाहिए, क्योंकि इससे भी तो पैसा लिया है ना इन्वेस्टर से।
तो ये जो लॉज है हमारे यहाँ पे इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के, ये इन इफेक्टिव है। अगर इफेक्टिव होते तो नीरव मोदी इतने आसानी से भागता क्या? बेनिफिट्स बताता हूँ सर सिक्योरिटाइजेशन के, दोनों दो लोगों के एंगल से हम बेनिफिट्स देखेंगे। एक तो ओरिजिनेटर को क्या फ़ायदे हैं, दूसरा तो इस इन्वेस्टर को क्या फ़ायदे, इन दोनों के एंगल से हम बेनिफिट देखेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले ओरिजिनेटर को एक बहुत ही बढ़िया फ़ायदा है, वो है ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। बैंक ने पैसा भी ले लिया और बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट भी नहीं हो रहा, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग कहते हैं इसको, नोट्स वगैरह में बताते हैं। मोर स्पेशलाइजेशन, जैसे अगर आपने अपने असेट को बेचा होगा, बैलेंस शीट में तो दिखा दिया 100 करोड़ का, लेकिन अगर आपने सिक्योरिटाइजेशन के थ्रू बेचा होगा तो आपको नोट्स में स्पेसिफाई करना पड़ता है हमने बेचा है, इसके अगेंस्ट में कैश ली है, बट बैलेंस शीट में अकाउंटिंग में अफेक्ट नहीं हुआ। मोर स्पेशलाइजेशन इन द मेन बिजनेस। सोचो मैंने लोन दे दिया, मेरा काम तो यहीं तक था बैंक ने, अब मैं मेरे लोन और बढ़ाने पे फोकस करूँगा, पैसा आने पे फोकस करूँगा, मैं मेरे मेन बिजनेस पे फोकस करूँगा। मैं बोरोवर को फ़ोन कर रहा हूँ, सर आपका अगला महीना ईएमआई ड्यू है, प्लीज़ दे दो, प्लीज़ दे दो, प्लीज़ दे दो। नीरव मोदी के पीछे भाग रहे हैं, कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, ये सब बैंक का काम नहीं है। इन सब में समय बर्बाद होता है और मैं ये नहीं चाहता बर्बाद होना, मैं मेरे मेन बिजनेस पे फोकस करना चाहता हूँ, तो इसलिए सारा का सारा असेट उठा के मैं बेच दूंगा सिक्योरिटाइजेशन के थ्रू आपका। उसके बाद आता है हेल्प्स टू इम्प्रूव फाइनेंशियल रेशियोज। सबसे क्लासिक एग्जांपल बैंक की बात करते हैं, आरबीआई एक्ट के तहत एक रेशियो होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कि आपके रिस्की असेट्स अगर 100 रुपये के हैं तो उसके अगेंस्ट में 8-9% है, शायद अभी 9% जितना कैपिटल कैश में आपके पास होना चाहिए, कभी भी कोई ज़रूरत पड़ गई तो ये कैश यूज़ किया जाएगा इन्वेस्टर्स को अपना पैसा वापस देने के लिए, जितने भी रिस्की असेट्स हैं। तो वो रेशियो मेंटेन करने के लिए ये जो सिक्योरिटाइजेशन वाली प्रोसेस है, ये बैंक को बहुत हेल्प करती है, क्योंकि उससे कैश आता है। रिड्यूस्ड बोरोइंग कॉस्ट, ध्यान दो ये सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट भी हो गया। और अगर आप ध्यान दोगे, मैं इन सब की फ़ीस वगैरह कंसिडर नहीं कर रहा, स्पेशल पर्पज़ व्हीकल और इन सब की, एक तरह से अगर आप देखोगे तो ओरिजिनेटर ने ये 100 रुपये लिया है और इसके बदले में 8% ही खाली इन्वेस्टर को दिया है, या 6% ही दिया होगा। ओरिजिनेटर को अगर पैसा चाहिए था ये लोन देने के बाद, तो ओरिजिनेटर इक्विटी भी इशू कर सकती थी, डेट भी इशू कर सकती थी, दूसरी जगह से लोन भी ला सकती थी, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती। यहाँ से 100 रुपये ना लाते हुए कहीं और से लाता तो, क्योंकि पैसा तो चाहिए, 10%, 16%, 15% महंगा पड़ जाता। ये आपको बहुत सस्ता पड़ता है सिक्योरिटाइजेशन, इसीलिए यहाँ पे लिखा है आपको एक फ़ायदा कि रिड्यूस्ड बोरोइंग कॉस्ट आती है इस केस में। ओके, आगे फ्रॉम द एंगल ऑफ द इन्वेस्टर, एक सेकेंड ना, इन्वेस्टर के एंगल से अगर हम देखें तो इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा है, एक नया इंस्ट्रूमेंट मिल गया पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। म्यूचुअल फंड्स वाले तो देखते ही रहते हैं, तो डाइवर्सिफाई किया जा सकता है पोर्टफोलियो में। आपने पढ़ा था डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है। अब मैं बैंक के ही एंगल से बोलता हूँ, बैंकों को भी रिक्वायर्ड है कि कुछ परसेंटेज ऑफ पैसा आप इस जगह पे इन्वेस्ट करो, उस जगह पे इन्वेस्ट करो। तो अगर आपका मॉर्टगेज बेस्ड इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर सकते हो एज एन इन्वेस्टर बन के, अगर आप वो पैसा वहाँ डाल दो तो। ICICI बैंक ने सिक्योरिटाइजेशन के लिए असेट्स बेचे और एक्सिस बैंक ने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो एक्सिस बैंक इन्वेस्टर हुआ। यहाँ पे एक्सिस बैंक RBI की गाइडलाइंस जो रेशियोज फुलफिल करने थे वो उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है इन्वेस्टर बनके। इन्वेस्टमेंट भी हो गया, डाइवर्सिफिकेशन भी हो गया, रिक्वायरमेंट भी फुलफिल कर दी, एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन कब मिलता है, ओनली इन केस ऑफ नॉन रिकोर्स। अगर इन्वेस्टर ने नॉन रिकोर्स सिक्योरिटाइज्ड असेट खरीदा है तो ही उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, अगर नहीं तो फिर डूब जाएगा उसका पैसा। बात करते हैं सर प्राइसिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सी, इंस्ट्रूमेंट यानी कौन से, जो इंस्ट्रूमेंट स्पेशल पर्पस व्हीकल कहाँ बेचती है, इन्वेस्टर को बेचती है, तो इसकी मार्केट में प्राइसिंग क्या प्राइस पे ये इंस्ट्रूमेंट बेचा जाए। जैसे इक्विटी शेयर बेचते हैं तो उसकी मार्केट प्राइस होती है, डिबेंचर बेचते हैं तो मार्केट प्राइस होती है, बॉन्ड्स बेचते हैं तो मार्केट प्राइस होती है। तो ये भी जब हम बेच रहे हैं सिक्योरिटाइजेशन के इंस्ट्रूमेंट्स, PTC बोलो, PTS बोलो, स्ट्रिप्ड सिक्योरिटीज बोलो, तो ये क्या प्राइस पे बेचे जाने चाहिए। अब ये डिपेंड करता है सर आप किसके एंगल से बात कर रहे हो, ओरिजिनेटर के एंगल से या इन्वेस्टर के एंगल से।
ओरिजिनेटर बोलेगा मैं 100 रुपये में बेचूंगा, इन्वेस्टर बोलेगा मैं 90 रुपये में खरीदना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से इसकी प्राइस 90 रुपये होनी चाहिए, मैं 90 रुपये से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता। ओरिजिनेटर बोलता नहीं मेरे हिसाब से 100 रुपये की होनी चाहिए। तो दोनों के हिसाब से अलग अलग प्राइसिंग हो सकती है, कहीं ना कहीं बीच में आपको आना पड़ेगा अगर मार्केट में यह प्रोसेस कंप्लीट करनी है तो। ओरिजिनेटर द इंस्ट्रूमेंट कैन बी प्राइज्ड एट अ रेट एट विच ओरिजिनेटर हैज़ टू इनकर एन आउटफ्लो। आप मार्केट में कहीं और से लोन लेते तो वहाँ क्या प्राइस से क्या कॉस्ट पड़ती, उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिवाइड करके आप प्राइसिंग निकाल सकते हैं। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेजर इम्पॉर्टेंट जो है आपके इन्वेस्टर का बहुत ज़्यादा मार्केट में इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इन्वेस्टर डिसाइड करता है इन्वेस्ट करना कि नहीं करना, तो इसके एंगल से मार्केट में प्राइस अफेक्ट होती है। और देखो बहुत सिंपल, इन्वेस्टर के एंगल से इन्वेस्टर क्या चाहेगा, उस सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट की प्राइस क्या होनी चाहिए, बहुत सिंपल। आपने सिक्योरिटी वैल्यूएशन देखा, उसमें हम वैल्यूएशन करते थे तो एक मेथड आती थी फ्री कैश फ्लो। अगर मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया और इन्वेस्टमेंट करने के बाद मेरे को फ्यूचर में कैश इन्फ्लोज होने वाले, उस सारी कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू मैं निकाल लूँ, ठीक है, उस सारी कैश फ्लोज की मैं जो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूँ, मेरी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज़ द प्राइस ऑफ द असेट। यही हम सिक्योरिटाइजेशन में सिक्योरिटी वैल्यूएशन में करते थे, यही यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे मेरे साथ में। सिक्योरिटी प्राइस कैन बी डिटरमाइंड बाय डिस्काउंटिंग बेस्ट एस्टिमेट ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज यूजिंग रेट ऑफ ईल्ड टू मेच्योरिटी ऑफ अ सिक्योरिटी ऑफ अ कंपेरेबल सिक्योरिटी विद रिस्पेक्ट टू क्रेडिट क्वालिटी एंड एवरेज लाइफ ऑफ द सिक्योरिटी। थोड़ा सा पढ़ो तो समझेगा धीरे धीरे, अदरवाइज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू, दैट्स इट। लास्ट टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट की। जब सिक्योरिटाइजेशन में ये इंस्ट्रूमेंट बांटे जाते हैं तो क्या सेम ही तरह के इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टर को दिए जाते हैं? नहीं, ये इंस्ट्रूमेंट भी अलग अलग तरीके के होते हैं। अब हमारे सिलेबस में 2-3 चीज़ें हैं, एक होता है पास थ्रू सर्टिफिकेट, एक होता है पे थ्रू सिक्योरिटीज। लेकिन इसको अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो पे थ्रू सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, बट अगर हम पे थ्रू सर्टिफिकेट और पास थ्रू सर्टिफिकेट कर देते तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। पीटीसी, इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा अलग रखा, पीटीसी पीटीएस खत्म, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस समझाऊंगा मैं। और उसके बाद होती है स्ट्रिप्ड सिक्योरिटीज। चलो अब मैं समझाता हूँ पास थ्रू सर्टिफिकेट क्या होता है। डायग्राम देखो, ये अभी मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर पढ़ा हुआ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और सिंपल है, देखो नॉर्मल कोर्स में बोरोवर ने ओरिजिनेटर से लोन लिया था, उसके बाद वो क्या करेगा सर, बोरोवर पैसा वापस करेगा ना हर महीने हर साल। तो जब पैसा वापस करता है यहाँ से यहाँ तक, मान लो 200 रुपये दे रहा है, किसको दे रहा है, सर्विसर को दे रहा है, और सर्विसर ये जो ओरिजिनेटर का ही बिहाफ में होता है, वो कहाँ जमा कराता है, SPV के अकाउंट में जमा कराएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, कैश रिसिप्ट, ये जो 200 रुपये आता है इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, देखो एक तो प्रिंसिपल रीपे करेगा, इंटरेस्ट भी तो देगा ना लोन लिया तो। और कई बार आपने सुना होगा हाउसिंग लोन में आपके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, कमाई होगी, तो आप प्री पेमेंट कर देते हो, भले ही लोन 30 साल का लिया लेकिन 7 साल में 10 साल में ख़त्म कर सकते हो प्री पेमेंट ऑप्शन के थ्रू। नॉर्मल कोर्स में अगले महीने EMI 10 लाख 1 लाख देनी थी, आप एक काम करो 5 लाख का पेमेंट कर दो, तो वो 4 लाख प्रिंसिपल अमाउंट तुरंत कम हो जाती है आपकी। नॉर्मल कोर्स में तो 1 लाख था, वो तो जाना ही था, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट प्लस प्री पेमेंट, ये तीनों का पेमेंट 200 रुपये आपने यहाँ दिया, और ये सारा का सारा 200 रुपये इन्वेस्टर को वापस दे दिया जाता है प्रो राटा बेसिस पे। जितना आता है वो सब में बांट दो। अगर एक डब्बा आया है लड्डू का और मेरे पास 50 लोग हैं तो 50 लोगों में थोड़ा थोड़ा मैं बांट दूंगा। कल फिर एक डब्बा आएगा लड्डू का, फिर वापस थोड़ा थोड़ा बांट दूंगा। ये नहीं कि आज मैं 10 लोगों को खिला देता हूँ, कल मैं 10 लोगों को खिला देता हूँ, ना, सब में बांट दो ऑन अ प्रोराटा बेसिस। दिस इज कॉल्ड एज पास थ्रू सर्टिफिकेट। अब आपको पास थ्रू सर्टिफिकेट तो समझ में आ गया, यानी कि क्या हुआ, इस इन्वेस्टर ने कौन सा सर्टिफिकेट खरीदा, पास थ्रू, जिसमें सारा पैसा बांट दिया जाता है। अब बात करता हूँ पे थ्रू सिक्योरिटीज, ये भी सेम है लेकिन थोड़ा वेरिएशन है इसके अंदर। जब इन्वेस्टर पे थ्रू सिक्योरिटीज खरीदता है तब बोरोवर से आने वाला पैसा और यहां से इन्वेस्टर को जाने वाला पैसा सेम नहीं होता।
यहाँ अगर आप देखोगे तो जितना आया बांट दिया, तो इस पे डिपेंड करता है, इस 200 पे डिपेंड करता है उधर कितना जाना है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इन दोनों का लिंकिंग अलग है। बोरोवर से मान लो 200 रुपये आए थे इधर में पहले के रूप में, जैसे प्रिंसिपल इंटरेस्ट प्रीपेमेंट करके 200 रुपये इधर आए थे, लेकिन इन्वेस्टर ने ऐसी सिक्योरिटी खरीदी है पे थ्रू सिक्योरिटी, जिसमें इन्वेस्टर को कन्फर्म है हर साल मुझे 150 रुपये ही मिलना है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के रूप में। तो उस साल एसपीवी कितना पैसा देगी, 150 ही देगी इन्वेस्टर को, क्योंकि इन्वेस्टर को 150 ही देना बनता था भले ही एसपीवी के पास 200 आया हो। ठीक है, बाकी का 50 रुपये जो है, ये सारा 50 रुपये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट व्हीकल फॉर प्रीपेमेंट में। यहाँ पैसा ट्रांसफ़र कर दिया 50 रुपये, ठीक है, अगले साल भी यही प्रोसेस होगी। इधर से 200 आओ, 500 आओ, 300 आओ, 600 आओ, उसको तो 150 ही मिलेगा, क्योंकि उसने वो इंस्ट्रूमेंट खरीद रखा है। जैसे बॉन्ड नहीं खरीदते क्या आप मार्केट में, FD नहीं कराते क्या जिसमें इंटरेस्ट हर साल फिक्स होता है, वैसे आपको 150 रुपये मिलते जाएंगे। अब किसी साल में यहाँ से डिफॉल्ट हो गया, लेट से बोरोवर से डिफॉल्ट हो गया, या क्योंकि प्रीपेमेंट कर चुके थे, तो कोई तो साल ऐसा आएगा जिसमें 200 से कम पेमेंट करना पड़ेगा। मान लो कि कैश रिसिप्ट उस साल में 100 रुपये आई, तो SPV ने तो लॉजिकली इधर कितना देने का इन्वेस्टर को, 150, तो SPV क्या करेगा, जितना 100 रुपये आया वो तो दे देगा, लेकिन अभी भी 50 कम पड़ रहा, तो ये जो प्री पेमेंट वाला इन्वेस्टमेंट व्हीकल क्रिएट कर रखा था जहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा जमा होते जा रहा था, इसमें से वो 50 रुपये निकाल के इन्वेस्टर को दिए जाएंगे। आया समझ में? तो अभी भी उसको 150 ही गया, यानी इनको हर साल 150 ही जाएंगे भले यहाँ से कितने भी आए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, मेजर डिफरेंस बता रहा हूँ, पास थ्रू सर्टिफिकेट एंड पे थ्रू सिक्योरिटीज। लास्ट पॉइंट डिस्कस करता हूँ सर मैं आपका, स्ट्रिप्ड सिक्योरिटीज, स्ट्रिप्ड फाड़ देना, आपको प्रॉपर मीनिंग पता है वैसे, अब हम तो टीचर है सर, हम ऐसा नहीं करते, ध्यान देना। तो अब आप क्या करते हो, इस इंस्ट्रूमेंट को जो इन्वेस्टर को दिया गया, ये दो हिस्सों में दिया गया, दो तरीके से, ध्यान देना मेरी बात पे। अब जब SPV ने मार्केट में इंस्ट्रूमेंट निकाला बेचने के लिए स्ट्रिप्ड सिक्योरिटीज़ के हिसाब से, तो दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट निकाला उन्होंने, बोला PO सिक्योरिटीज़ और IO सिक्योरिटीज़। इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटीज़, इसको कहा जाता है इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज़। तो मैंने PO खरीद लिया, आपने IO खरीद लिया, दोनों ने सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट खरीदे लेकिन अलग अलग, इसको स्ट्रिप्ड क्यों कहा गया मैं आपको बताता हूँ। जब बोरोवर SPV को पैसा देता है 200 रुपये, तो उस टाइम पे मान के चलो कि प्रिंसिपल अमाउंट रीपे की थी 150 की और इंटरेस्ट दिया था 50 का। अब क्या होगा पता है, SPV 150 रुपये PO वाले को दे देगी और 50 रुपये IO वाले को दे देगी। मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ, डिटेल में मत जाना, आपकी किताब में कुछ नहीं है। तो PO वाले को सिर्फ प्रिंसिपल जो आया ना इधर से वो मिलता है, और IO वाले को जो सिर्फ IO आया ना इधर से वो मिलता है। तो ऐसा मत समझो कि IO वाले को कम पैसा मिल रहा, भैया उसने डाला भी पैसा उसी हिसाब से है, इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से किया हुआ है, तो कम ज़्यादा मत समझो, ये समझो कि कहाँ पैसा डाइवर्ट हो रहा है, PO ओनली, IO ओनली, तो ये स्ट्रिप्ड हो गया। ठीक है, अब दो तीन चीज़ें और बताता हूँ, ध्यान देना। अब PO ओनली इन्वेस्टर ने, हो सकता है शेयर वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो खरीदा होगा 100 रुपये में, और IO ओनली ने भी हो सकता है 100 रुपये में खरीदा होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है थोड़ा ध्यान दो, मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े तो बोरोवर की ये जो 50 का इंटरेस्ट था ना, ये शायद 60 रुपये हो जाएगा, क्योंकि बोरोवर को अब ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अगर ये 60 रुपये हो गया तो इधर भी पैसा ज़्यादा जाएगा, ये कन्फर्म हो जाएगा। और ये तो फ़ायदे वाली बात है IO इन्वेस्टर के लिए, ज़्यादा पैसा आ रहा ना, यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो IO इन्वेस्टर के लिए, इंटरेस्ट ओनली इन्वेस्टर के लिए फ़ायदे वाली बात है, यानी कि मतलब ये हुआ आपका कि
आयो इन्वेस्टर की जो इन्वेस्टमेंट की जो प्राइस है ना, ये 100 रुपये, ये बढ़ के हो जाएगी 105 रुपये। इसका प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि इसके डिमांड बढ़ गया मार्केट में, क्योंकि फ़ायदा लोगों को अब यहाँ पे दिख रहा है 50 का 60। और एक चीज़ बताता हूँ, मान लो इंटरेस्ट रेट गिर गए तो, अच्छा बढ़ गए तो आपको लगा आयो ओनली इन्वेस्टर जो है इसकी इन जो सिक्योरिटीज उसकी प्राइसिंग बढ़ जाएगी। तो आप देखो YTM अगर मार्केट में बढ़ गए तो इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटी की प्राइस बढ़ जाएगी, कन्वर्सली PO ओनली सिक्योरिटीज़ की प्राइस गिर जाएगी क्योंकि उसकी डिमांड कम होगी, सब आयो में शिफ्ट हो रहे तो PO नहीं खरीदना चाहता कोई, प्रिंसिपल ओनली, तो ये फॉल हो गए। अब बात करते हैं इंटरेस्ट गिर गए, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिर गए और मैंने लोन लिया हुआ था मान लो फिक्स्ड रेट पे 15%, तो मैं चाहूँगा कि मैं जल्द से जल्द रीपे कर दूँ ओरिजिनेटर को, प्री पेमेंट बहुत बड़ा आ जाएगा, और ध्यान देना, और नए रेट पे जो कि कम है, गिर गए ना, उस रेट पे लोन ले लूँ। तो ऐसे केस में प्री पेमेंट जो है वो ज़्यादा आएगा इधर में, और प्री पेमेंट पूरा पार्ट होता है प्रिंसिपल अमाउंट का, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट इधर बढ़ जाएगी, और ये बढ़ गई तो ये प्राइस बढ़ के 110 हो जाएगी, इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो ऐसे केस में देखो YTM अगर गिरता है तो प्री पेमेंट्स बहुत आते हैं, PO की वैल्यू बढ़ जाती है, ये राइज हो जाएगी, और कॉन्वर्सली इसकी गिर जाएगी क्योंकि उसकी डिमांड कम होगी। इंटरेस्ट रेट गिरने से इंटरेस्ट रेट तो कम मिलेगा ना, इंटरेस्ट अब कम मिलेगा, 50 की जगह अब 30 ही मिलना है, तो इसकी डिमांड तो गिर गई आयो की, जब 30 ही रुपये मिलना है तो कौन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, इसकी वैल्यू गिर जाएगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिप्ड सिक्योरिटीज। लास्ट टॉपिक है सर सिक्योरिटाइजेशन ऑफ इंडिया, सिक्योरिटाइजेशन इन इंडिया, इंडिया में क्या हालचाल है ये मैं बता देता हूँ, एक तरह से न्यूज़ चैनल का काम करूँगा अभी मैं। सबसे पहले मैं रिवाइज करा रहा हूँ, पूरा नहीं पढ़ूंगा। सबसे पहले जो सिक्योरिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया था, ये लाया गया था सर हमारे इंडिया में सिटी बैंक द्वारा। इसके बाद में जब सबसे पहले शुरुआत हुई थी तो मेजर शुरुआत हुई थी, ऑल्दो स्टार्टेड विद सिक्योरिटाइजेशन ऑफ ऑटो लोन्स, ऑटोमोबाइल लोन्स का सिक्योरिटाइजेशन पहले बहुत होता था, लेकिन धीरे धीरे ये लोगों ने सोचा कि क्रेडिट कार्ड का भी, जो आप क्रेडिट कार्ड खरीदते हैं, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करते हैं तो वो भी तो रिसीवेबल ही है बैंक का, तो क्रेडिट कार्ड का भी सिक्योरिटाइजेशन, रेसिडेंशियल मॉर्टगेज, घर गिरवी रखना और लोन लेना, उसका भी सिक्योरिटाइजेशन होने लग गया, और भी बहुत सारे लोन्स का सिक्योरिटाइजेशन होने लग गया। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट सिक्योरिटाइजेशन को इनक्रेज करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट लेके आया, सरफेसी एक्ट 2002, ये आप लॉ में पढ़ोगे। इसके बाद सर बात करता हूँ, बेसिकली ये बोलता है कि यार देखो NBFCs नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और बैंकों के लिए बहुत अच्छा हो चुका है, उनको एक फंडिंग का सोर्स मिल गया, एक नया सिक्योरिटी है जिसको इशू करके एक वापस पैसा लिया जा सकता है, जो डोमिनेंट प्लेयर है मार्केट में ICICI बैंक, HDFC बैंक और NHBI नेशनल हाउसिंग बैंक। आपके बुक्स में 2016 की फिगर दी है, मैंने इसको एडिट कर दिया, 2019 में ये पहुंच गया है 1,90,000 करोड़ तक, 1,90,000 करोड़ तक, क्या पहुंच गया 1,90,000 तक सर। सिक्योरिटाइजेशन का मार्केट 2016 में 66,000 था, 17 में 90 पहुंचा था, 90,000 करोड़, 17 में 84,000 करोड़ था, नहीं 17 नहीं 18 में 84,000 करोड़ था, और 19 में 1,90,000 करोड़ डबल हो गया, ये स्पीड से 120-110 की स्पीड, परसेंट की स्पीड से बढ़ा है सिक्योरिटाइजेशन का मार्केट पिछले एक साल में। और SBI ने भी अलाउ किया FPIs को, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को, टू इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटाइज डेट टू सम एक्सटेंट। तो यह है सर सारा का सारा प्रोसेस। आई होप आपको सिक्योरिटाइजेशन का वीडियो अच्छा लगा, एंड YouTube पे भी मैं शेयर करूँगा सर। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आखिरी तक आपने देखा है, तो मेक श्योर कि आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ इसको आएंगे तो यही मेरे लिए मोटिवेशन का काम रहेगा। YouTube पे जितने भी वीडियोस डालता हूँ उसमें एक ही मोटिवेशन होता है सर, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए, जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतना मोटिवेशन मिलता है कि मैं और आपके लिए कुछ ना कुछ लाता जाऊँ। सो दिस वीडियो विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द रिविजन वीडियो ऑफ द वीडियो लेक्चर्स एंड ऑल्सो ऑन द यूट्यूब। फॉर नाउ एन्जॉय दिस थिंग एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द म्यूचुअल फंड्स। बाय बाय।